हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ कमल कैंडी शेयर कर रही हूँ। एक बार मैं कमल कैंडी डाल चुकी हूँ जो बिल्कुल मार्केट जैसी है। आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें तभी आपकी कैंडी अच्छी बन सकेगी। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज मैं कमल कैंडी दूसरी तरह से बना रही हूँ। जो मैंने कमल कैंडी ऑलरेडी डाल रखी है, कोकोनट कैंडी जो बोलते हैं हम, मार्केट में जो मिलती है हमें, वैसी कैंडी मैं यहाँ सूजी और मैदे से बना रही हूँ। किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि आप सूजी और मैदे से वही कैंडी दोबारा से बना के डालिए जिसमें हम सूजी और मैदे का यूज करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ एक कप ली है सूजी। मेरे पास यहाँ मोटी वाली सूजी है, आप कोई भी सूजी ले सकते हैं। मेरे पास ये रवा है मोटा वाला, तो मैं यहाँ ग्राइंड कर रही हूँ मिक्सी में डाल के। सूजी को डाल लिया है मैंने। सेम क्वांटिटी में लेंगे हम कोकोनट पाउडर। डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर की रेसिपी मैंने यहाँ मेरी यूट्यूब चैनल में डाल रखी है, इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। इसे भी हम सूजी के साथ ग्राइंड कर लेंगे। कोकोनट पाउडर और सूजी को मैंने यहाँ ग्राइंड कर लिया है। देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया है और पाउडर तैयार हो गया है। दरदरा पाउडर रेडी हो गया है। दोनों को इकट्ठा मिक्स करना है, लेकिन सूजी आपको रोस्ट करके लेना है। सूजी को कच्चा नहीं लेना है, पहले रोस्ट करके लेना है। मेरे पास यहाँ सूजी रोस्टेड थी, पहले से सेक के रखी हुई थी सूजी, इसलिए मैंने यहाँ रोस्ट नहीं की है। आपको सूजी को रोस्ट करके ही यूज करना है। पहले आप रोस्ट कर ले सूजी को खाली कढ़ाई में, उसके बाद आप कोकोनट पाउडर में मिला के इसे पीस ले। इसे हम एक बार साइड में रख देते हैं। मैंने गैस पर खाली पैन लिया है। सूजी मैंने यहाँ रोस्ट की हुई ली है, इसलिए मैंने सूजी को रोस्ट किया नहीं है। अब मैं ले रही हूँ सेम क्वांटिटी में मैदा। मैदा को हम हल्का खाली कढ़ाई में रोस्ट कर लेंगे, कच्चा यूज नहीं करेंगे, हल्का सा रोस्ट करेंगे हम। इसका कच्चापन निकल जाए इतना हमें रोस्ट करना है। लो फ्लेम पर करें ताकि ये जले नहीं, हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो गया और खुशबू भी आना शुरू हो गया है। मैदा हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसे नीचे उतार लेते हैं। 3 से 4 मिनट लगे हैं। मैदा भी हम इसी में मिला लेंगे। मैदा भी हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मिक्स करेंगे हम 1/2 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से कैंडी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए हम इसमें 1/2 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मेजरमेंट का आप ध्यान रखें, 1 कप सूजी, 1 कप कोकोनट पाउडर, 1 कप मैदा। मैदा और सूजी को रोस्ट करके लें, कच्चा नहीं लें। और 1/2 कप लेंगे हम मिल्क पाउडर। चारों अच्छे से मिक्स करके साइड में रख लिया है। मैंने यहाँ इसी पैन में 1 कप चीनी ली है, कप को फुल भर के लिया है। इसी कप को मैंने फुल भर के चीनी का लिया है, 1 कप लिया है। इसमें मैं डालूंगी 1/3 कप पानी, 1/3। चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। आप पानी अगर थोड़ा ज्यादा भी डालते हैं, 1 कप में 1/2 कप पानी भी डालते हैं, वो जल जाएगा। आप थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं पानी, 1 कप में 1/2 कप भी ले सकते हैं। इसे हम अच्छे से उबलने देते हैं। इसकी हम एक चटनी रेडी कर लेंगे। चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है, ये देखिए। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 कप डालेंगे हम लिक्विड ग्लूकोज। सेम कप का मेजरमेंट रखा है मैंने, 1/2 कप लिक्विड ग्लूकोज। इसकी रेसिपी भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। ग्लूकोज लिक्विड को भी हम इसमें डाल चुके हैं। लो फ्लेम पर ही रखना है हमें।
अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। सभी चीजों को हमने इसमें डाल लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैंने यहाँ गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है मिलाते वक्त। ये देखिए, मिलाते वक्त मैंने यहाँ गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था क्योंकि सभी चीजें हमारी रोस्ट की हुई है। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है सब। अब इसके मैं दो हिस्से कर रही हूँ, एक में मैं डाल रही हूँ, आधा मैंने इसमें से निकाल लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ चॉकलेट कलर, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा चॉकलेट कलर। मेरे पास यहाँ चॉकलेट कलर का बॉक्स है, आप देख सकते हैं इस तरह का मार्केट में मिलता है। इसको हल्का सा डाल देंगे। गरम में ही डालें, आप चाहे तो हल्का सा गरम पानी करके, गरम पानी में थोड़ा सा डाल के एक पिंच फिर इसमें मिला लें। अगर आपको लग रहा है कि आपका ये गाढ़ा हो गया है, पूरा बाइंड नहीं हो रहा है, तो हल्का सा आप गरम पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ गैस की फ्लेम को ऑफ रखा हुआ है। अगर आपके पास लिक्विड चॉकलेट कलर है तो आप वो ऐड कर लीजिए। मुझे यहाँ चॉकलेट कलर थोड़ा कम लग रहा है तो मैं हल्के से गुनगुने गरम पानी में डाल के इसे दोबारा से मिक्स कर रही हूँ। मैंने यहाँ गरम पानी में मिक्स करके इसे डाल लिया है। अब इसे हम नीचे उतार लेंगे। मैंने यहाँ एक प्लास्टिक लिया है, इस पर मैंने यहाँ चिकना लगा लिया है। अब इस पर ये डालेंगे चॉकलेट वाला, इस तरह सा। ये इस तरह का होना चाहिए, थोड़ा बाइंड अच्छे से हो जाए। बिल्कुल अगर सूखने लग जाए तो आप प्लीज उसमें हल्का सा गर्म पानी करके डाल लीजिए और इसे सही कर ले। व्हाइट भी मैंने इस पर फैला लिया है। आप फॉइल पेपर भी ले सकते हैं। इस तरह से हम शेप दे देंगे। आप ध्यान रखें कि जैसे ही आपकी चीनी घुल जाती है, लिक्विड सिरप डाल लेते हैं, जैसे ही हम उसमें मैदा, सूजी, तैयार किया हुआ मिक्स पाउडर जो डाल रहे हैं, हम तुरंत गैस बंद करके नीचे, या फिर आप चाशनी में डालते ही नीचे उतार ले, गैस की फ्लेम को ऑफ कर ले, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा। अगर ड्राई आपका हो भी जाता है, बाइंड नहीं हो रहा है, तो डरने की बात नहीं है। इसमें हल्का सा आप गर्म पानी ऐड कीजिए और इसे सही कर लीजिए, इससे आपका ये बिल्कुल लेवल में हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल प्लेन बन जाएगा, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बाइंड हो गया है। मैंने भी इसमें हल्का सा गर्म पानी ऐड किया था। कलर आप हल्के गर्म पानी में ही मिला के डाल लें ताकि ये अच्छे से डल जाता है और अच्छे से कलर भी आ जाता है उसका, पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाता है वो। ये देखिए, आप जो चाहे शेप उसकी काट सकते हैं। ये देखिए चॉकलेट कलर भी कितना प्यारा आया हुआ है, आप देख सकते हैं टू कलर में कितनी अच्छी कैंडी बन गई है हमारी। अब हम इसके पीसेस काट लेते हैं, इस तरह से कट कर लेंगे इसको। जितना साइज आप
मोटा काटना चाहें उतना काट लें, मैं यही साइज काट रही हूँ। देखिए कट हमने कर लिया है, अब हमें इस लेंगे, इसे आप इस तरह से दबाते हुए शेप में कर सकते हैं। ये देखिए कमल पेड़े की शेप हमने इसमें दे दी है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह से हम दबाएंगे और इसको सर्कल शेप दे देंगे। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, इसे इसी तरह से हम लंबाई में भी रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह की शेप भी आप दे सकते हैं कैंडी को, और सर्कल की शेप भी दे सकते हैं, ये शेप भी आप दे सकते हैं। इस तरह से पुश कीजिए इसको अच्छे से, और ये शेप इस तरह से दोनों उंगलियों के बीच में दे दें। इतनी सुंदर लग रही है हमारी कैंडी, और इसे ओवरनाइट के लिए ड्राई होने दें फैन के नीचे। ये देखिए हमारी सूजी और मैदे से बनी कमल कैंडी रेडी है, देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में भी टेस्ट बहुत अच्छा आया है इसका। इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, 3 महीने तक आराम से खा सकते हैं, क्योंकि हमने सब कुछ इसमें रोस्ट करके डाला हुआ है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे, धन्यवाद।